सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि रूस घिर गया है यूक्रेन में। रूस बहुत बुरी तरह से घिरा है। रूस को पहले से ही सेना की कमी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसने आम लोगों को भी सेना में भर्ती किया। ऐसे में 5,000 रूसी सैनिक यूक्रेन के इलाके में फंस गए। जी हाँ, यूक्रेन का वो इलाका है लायमन, उस लायमन के इलाके में रूस के 5,000 सैनिक यूक्रेन के लायमन के इलाके में यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए हैं, जिससे अब रूस बड़ी मुसीबत में है। और 5,000 सैनिकों को चुन चुन कर चारों तरफ से घेर कर यूक्रेन ने मारना शुरू कर दिया है। अब उसी लायमन के इलाके में, लायमन बड़ा इलाका है, उस दूसरे इलाके में जेलेंस्की ने कहा है कि लायमन में ही यूक्रेन का झंडा हमने लहरा दिया है, और सबूत भी है, झूठ इसमें कुछ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जिस इलाके में यूक्रेन का झंडा लहराया जा रहा है उसी लायमन के पिछले इलाके में रूस के 5,000 सैनिक फंसे हैं। देखिए, дорогие украинцы, сегодня Збройні сили України, а саме 81-ша окрема мобільно-десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького, звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! 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 Только меня не запиздовало, блядь. Я украинский флаг, наш. Не-не, 81-я, хлопцы, 81-я. Это их заслуга. अब देखिए, पता तो सबको चल गया है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, सबको पता है कि रशिया न्यूक्लियर हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में बाइडेन ने बड़ी बात कही है। बाइडेन ने कहा है, सुनिए पुतिन, नेटो के एक एक इंच की ज़मीन की रक्षा करने के लिए हम सभी तैयार हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे साथियों को डरने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता दोस्तों कि किस मन से ये बात कह पाए हैं बाइडेन, लेकिन बाइडेन ने मजबूती दिखाई है और रूस को साफ साफ कह दिया है कि आपके परमाणु हमले से भी हम नहीं डरने वाले, हम नेटो की और नेटो के दोस्तों की, साथियों की एक एक इंच की ज़मीन की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि नेटो, अमेरिका, फ्रांस, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं, यूरोपीय यूनियन, सब रूस के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा और बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका अपने एलाइज के साथ, अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से 24x संपर्क में है, लगातार बातचीत चल रही है। यानी वो बात फिर से सही साबित हुई कि एक तरफ अकेला रूस है और दूसरी तरफ सारी दुनिया। यूएन में एक बार फिर से रशिया की जीत हो गई। कैसे, मैं बताता हूं। अल्बानिया और अमेरिका, यूनाइटेड नेशन में रूस ने जो 4 इलाकों को अपने से जोड़ लिया है, इलीगल तरीके से, ऐसा उनका कहना है, जोड़ा है, इसके खिलाफ कानून पारित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लेके आए। बड़ी बात आपको बताऊंगा कि सारे देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया कि हाँ भाई ये तो गलत किया, लेकिन आपको बता दूं कि कई सारे देश इसमें खामोश रहे। उन्होंने रूस का साथ दिया, न यूक्रेन का, और खामोश रहना भी, खामोश रहना ही रूस का समर्थन था। भाई हम न बोलना ही नहीं चाह रहे, हमें कुछ बोलना ही नहीं है, रूस ने अच्छा किया बुरा किया भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। आपको बताऊं, भारत और चीन, ईरान समेत कई सारे देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, बोला ही नहीं कुछ, बड़ी चालाकी से पीछे रहे। वहीं पर सारी दुनिया ने वोट रूस के खिलाफ किया, अमरीका के समर्थन में। अब वीटो पावर कुछ देशों के पास है, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, उसका इस्तेमाल करके, मतलब अगर वीटो पावर जिसके पास होगी वो अगर खारिज कर देगा तो पूरा कानून खारिज हो सकता है, पूरा वो प्रस्ताव रद्द हो सकता है। तो वीटो पावर वाला रशिया है, तो रशिया ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया और इस कानून को ही खारिज कर दिया, यानी यूएन में आखिरकार रूस की जीत हो गई। वही आपको बता दूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक चीफ गायब हो गया है, किडनैप हो गया है। वहीं जेलेंस्की ने ये इल्ज़ाम रूस पर डाल दिया है और कहा है
कि अब पूरे यूरोप को खतरा है, क्योंकि वो ऐरा गहरा या तुखेरा बंदा नहीं था जो गायब हुआ है, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीफ था जो अब रूस के कंट्रोल में है, रूस के कब्जे में है। अब सुनिए वर्ल्ड बैंक का खेल। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि $530 मिलियन हम यूक्रेन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, $530 मिलियन। सोच के देखो भाई, ये वर्ल्ड बैंक फिलिस्तीन पर जब कुछ होता है खामोश रहता है, ये वर्ल्ड बैंक जब ईरान पर कुछ होता है तो खामोश रहता है, यही वर्ल्ड बैंक जब इसराइल दूसरे देशों पर, यमन हो या कोई और इलाका, वहाँ पर हमला करता है तो चुप रहता है, इसकी जेब से चवन्नी नहीं निकलती। और देखिए यूक्रेन के चक्कर में हिपोक्रेसी सबकी नज़र आ रही है, दोगलापन सारी दुनिया का नज़र आ रहा है। देखिए अमेरिका के दबाव में हाँ बोल रहा है तुर्की भी। पता है क्या कहा है तुर्की ने, बजाय चुप रहने के, और भी लोग समझदार हैं लेकिन देखिए खुश करने की कोशिश, क्योंकि F-16 विमान लेना है ना, तो अमेरिका को खुश करने के लिए तुर्की ने कहा है कि रूस ने ये जो वोटिंग करके 4 क्षेत्रों को यूक्रेन के रूस बना दिया है, रूस से जोड़ दिया है, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। वहीं स्वीडन और डेनमार्क ने जांच करके बताया है कि रूस से जाने वाली गैस पाइपलाइन जो यूरोपीय यूनियन जाती थी, वो जो गैस पाइपलाइन फटी है उस पर 100 किलो का बम मारा गया था। तो ये कोई हादसा नहीं, ये प्लान था, पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि ये अमेरिका ने करवाया है। अब देखना ये है कि आखिर में नाम किसका आता है। अब मोल्डोवा आया है रोता हुआ, और मोल्डोवा ने कहा है कि रूस ने हमारी 30% गैस सप्लाई काट दी है। वहीं अमेरिका का बड़ा दावा, अमेरिका ने कहा कि रशिया जैसे ही न्यूक्लियर दागने की तैयारी करेगा अमेरिका को पता चल जाएगा, अमेरिका की पैनी नज़र रूस पर गड़ी हुई है। अब न्यूक्लियर का खतरा इतना ज़्यादा हो गया है कि पोलैंड ने कह दिया है कि हमने अपने नागरिकों को एंटी रेडिएशन टैबलेट भी बांटना शुरू कर दिया है। बस ये खबर मोदी जी को पता न चल जाए, वरना मोदी जी इसमें भी राजनीति खेल जाएंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे जनता से। भाई बहनों, जो टैबलेट 500 रुपये की हुआ करती थी हमने 5 रुपये में बांटी है, वो भी नकली निकलेगी बाद में। वहीं यूक्रेन के लिए हथियार यूरोप की कंट्रीज पोलैंड की तरफ भेज रही हैं, अब पोलैंड से वो यूक्रेन की तरफ भेजी जाएंगी। देखिए वहीं जॉर्जिया में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है अलग तरीके का। देखिए मॉल से जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो पायदान की तरफ देखिए, पायदान बना रखा है, स्टिकर लगा रखा है पुतिन का। जी हाँ, जमीन पर पुतिन के चेहरे लगे हुए हैं और लोग उस पर पैर रखकर गुजर रहे हैं। देखिए लायमन के कई हिस्से में, अलग अलग क्षेत्रों में रूस हार गया है और यूक्रेन ने रूस के निशानों को वहां से मिटाना शुरू कर दिया है। Тут буде поліція України. Слава Україні. Вони आपको बता दूं कि यूक्रेन ने काफी खतरनाक MLRS-70 दागा है रूस पर। रूस के जो नए सैनिक हैं उनकी भी तस्वीर मेरे पास आ चुकी है, नए इलाके में उनको ले आके रोका गया है, काफ़ी ठंड है और कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर ये देखिए, да
कई जगह कहा जा रहा है कि रूसी जो नए सैनिक है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि फिर भी रूसी सेना आगे बढ़ रही है। बात करें रूस की तो रूस ने भी शाम होने से पहले ही यूक्रेन पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई सारे रॉकेट दागे। इसके अलावा रूस ने अपने फाइटर जेट SU-25 से भी कई हमले किए हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस के जो नए सैनिक भर्ती हुए हैं, यानी आम नागरिक जो अभी कल तक आम थे और आज सेना में भर्ती हुए हैं, उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो जिस इलाके या क्षेत्र में वो मौजूद हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके परिवार वाले वहाँ पहुँच के उनको जाल के पीछे से खाना दे रहे हैं ताकि कम से कम उनको खाना ठीक मिले। देखिए всем раздавайте все. दोस्तों रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर खबर, दुनिया की मेन मेन खबरें आपको इसी तरह से आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। जय हिंद।